वाला नहीं था तो एम्बुलेंस में भी मैंने ही उठा के डाला। हाँ जी, जिस समय पूरी वारदात हुई क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। मैं आया था बाद में, उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। हाँ जी, आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। हाँ जी, कितना ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो मैं क्या बताऊँ, ये देख लो ब्लड, ये रहा, ये अभी तक लगा हुआ, अभी तक लगा हुआ। अजय, तो अजय को जानते हो? नहीं, मेरा क्या कॉन्टेक्ट है साहिल से। आप साक्षी को कैसे जानते हो? साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे में तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था, करेगा। इतनी पब्लिक, 17 लोग, इतनी पब्लिक पर जो उसको उठाने वाले होते तो उसको पहले ही बचा लेते, ठीक है। हाँ, लेकिन वहां पे मैं होता तो उसके जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं, क्योंकि मेरे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज। घटना से पहले मैं होता, मैं नहीं जानता था, मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। ये जो और भी पब्लिक देख रही है, मैं तो उनको भी यही कहूँ, यहाँ पे ऐसा कोई हो ऐसे कभी और भी तो ऐसा कर होने मत दो, अगले को रोको, कुछ भी करो, चाहे उसको उस चीज को रोको वहीं पर ही। अजय, काफी संख्या में लोग थे लेकिन कोशिश किसी ने नहीं की, आपने शुरुआत जरूर की। बाकी मेरे जैसे कोई वहाँ पे होते तो कोशिश जरूर करते। एक शख्स ने जरूर, जी वो वीडियो में दिखा रहे, काश नहीं, मैं नहीं जानता उनको, वीडियो में दिखा रहे हैं, उसने कोशिश करी तो फिर वो भी डर के भाग गया होगा वहाँ से। हाँ जी, तो क्या साहिल को या साक्षी को आप पहले से जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा कोई कनेक्शन। उसने आपसे भी पूछताछ की है? नहीं, मेरे से कोई, मेरा कोई मैटर होगा तो पूछताछ करेंगे ना, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था बीच में। लेकिन आपने बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद देर हो चुकी। मैं था ही नहीं तो मैं कोशिश कैसे करता, ये बताइए। मैं तो उस टाइम पे पहुंचता, वो खत्म हो चुकी थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी, पुलिस वाले भी वहाँ पे थे जब पहुंचा था मैं।